पुषाण मुद्रा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुड बेस फिटनेस। आज की हमारी जो मुद्रा है वो है पुषाण मुद्रा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस मुद्रा को किस तरह से किया जाता है, फिर इस मुद्रा के बारे में हम बात करेंगे। तो इस मुद्रा में सबसे पहले आपको मैट पर एक शांत जगह में बैठना है। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए आपकी। आपकी जो चिन है एकदम रिलैक्स, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे की तरफ। और श्वास पर आपका कंट्रोल, यानी कि आपको श्वास पर पूरा ध्यान रखना है। अब पुषाण मुद्रा में दोनों हाथ आपके नीज पर होने चाहिए। राइट हैंड की जो आप मुद्रा करेंगे उसमें आपकी पहली दो फिंगर टिप टू टिप इस तरह से अंगूठे से टच होंगी, और बाकी की जो दो फिंगर हैं वो रिलैक्स रहेंगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करना है, रिलैक्स छोड़ना है जितना आपसे रिलैक्स हो सके, ज़्यादा अंदर भी नहीं मोड़ना है। तो इस तरह से आपने ये मुद्रा बना ली राइट हैंड की। उसके बाद लेफ्ट हैंड से अपने हाथ की बीच की दो उंगलियां, मतलब कि सबसे बड़ी आकाश और पृथ्वी, इस तरह से अंगूठे के साथ, मतलब अग्नि के साथ मिलाकर इस तरह से आपको रखना है अपनी नीज पर। यह आपकी पुषाण मुद्रा हो गई है। ज़्यादा आपको उंगलियों से प्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बैठना है इस मुद्रा में। बाकी की जो उंगलियां हैं बिल्कुल सीधी, ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है, ध्यान रखेंगे, और कमर गर्दन को सीधा रखना है। और फिर अपने श्वास पर पूरी तरह से सजगता से अपनी श्वास को देखना है, कुछ ना सोचते हुए। कुछ देर तक आप इस मुद्रा को 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट भी कर सकते हैं। अगर आप एक साथ मुद्रा नहीं कर सकते तो 5-5 मिनट्स में, एक बार सुबह, एक बार दोपहर को, बीच में शाम को ये मुद्रा आप कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो इस मुद्रा के अब फायदे के बारे में बात कर लेते हैं कि इस मुद्रा के क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मुद्रा बॉडी में प्राण को जो है बढ़ाती है, व्यान और अपान वायु को बैलेंस रखती है। और जिन लोगों को मेमोरी वीक रहती है, जिन लोगों की मेमोरी पावर कम है, अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ रखते हैं भूल जाते हैं, स्लिप हो जाता है माइंड से, तो उनके लिए यह मुद्रा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यह मुद्रा स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेटर है, मतलब जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उनको जल्दी से याद नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर वीक है, तो उनके लिए ये जो पावर है वो इम्प्रूव करती है, मतलब पढ़ने में उनका मन लगने लगता है। इस मुद्रा से हमारे पेट से जुड़ी सारी बीमारियाँ, मणिपुर चक्र, मतलब सारी बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं, मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। इस मुद्रा को करने से आपकी जो नाभि है, नाभि पर काफ़ी असर पड़ता है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है। इस मुद्रा को करने से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, और जिससे कि हमारे जो इंटरनली जो पेट की जो बीमारियाँ हैं वो दूर होती हैं, और वेट लॉस में भी यह मुद्रा काफ़ी बेनिफिशियल है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, मतलब विषैले पदार्थों को ये शरीर से बिल्कुल बाहर निकाल देती है मुद्रा। जिन लोगों को नौसिया की दिक्कत है और जिनकी मुद्रा बहुत ही अच्छी है, यह मुद्रा लीवर की प्रॉब्लम को भी काफ़ी अच्छी लगती है, लीवर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस मुद्रा को करने से पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, और आपके जो थॉट्स हैं वो काफ़ी आप पॉजिटिव हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा सोचते हैं और दूसरों के लिए काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। तो ये जो मुद्रा है ये आपको डेली बेसिस पर करनी है। इस मुद्रा के जो जो लाभ हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, और इनके जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो सावधानियाँ, वो यही है कि इस मुद्रा में आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है अपनी उंगलियों को, और श्वास आपको काफ़ी तेज़ नहीं करनी है, गर्दन को टिल्ट नहीं करना है कहीं भी, ना ज़्यादा झुकना है। ध्यान रखेंगे कि शांत वातावरण में जहाँ पर शोर कम हो आप उसी वातावरण में मुद्राओं को करें तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। और इस मुद्रा में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब करें इसको तो आपका ध्यान बिल्कुल भटके नहीं, बाहर की ओर ना जाए, हमेशा श्वास की तरफ ही रहे। तो ये थे इसके कुछ फ़ायदे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए, और हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।